नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी नॉलेज में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्त, करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, जो कि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आज बात करने वाला हूं देशभक्त यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे देशभक्त यूनिवर्सिटी के बारे में जानते भी होंगे और बहुत नहीं जानते, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी है पंजाब में। पंजाब में एक जगह है गोविंदगढ़, ठीक है, वहीं पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। अगर इसके हम कैंपस एरिया की अगर बात करते हैं तो इसका ये 40+ एकड़ में कैंपस पूरा स्प्रेड है, फैला हुआ है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज वगैरह रन करती है, ठीक है। अगर हम चंडीगढ़ से अगर हम बात करते हैं इसका डिस्टेंस बाय बस अगर हम देखेंगे तो 57 किलोमीटर के रेडियस पे इसका पड़ेगा। और रेलवे स्टेशन अगर एक तो गोविंदगढ़ में खुद रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं, हार्डली 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो अप्रोक्स यही है, बहुत से ज़्यादातर बच्चे चंडीगढ़ के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि गोविंदगढ़ बहुत कम बच्चे, तो ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं आपका बस से ही जाने का, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 57-60 किलोमीटर का अप्रोक्स डिस्टेंस पड़ता है इसका। अब बात करते हैं इसके अप्रूवल का। तो दोस्तों, बता दें कि यूनिवर्सिटी ऐसे तो ये मतलब यूनिवर्सिटी से पहले ये पूरा कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन था, ये बहुत पहले से रन कर रहा है, लेकिन इसे UGC ने अप्रूवल दिया है 2012 में। आप अगर बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि मैं ऐसे कैसे चेक कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको UGC की वेबसाइट पर जाना है और आपको यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उसके बाद अगर आप स्टेट में जाते हैं, जैसे पंजाब की यूनिवर्सिटी है तो पंजाब में आप जैसे ही जाएंगे तो हाँ लिस्ट में आपको मिल जाएगी ये यूनिवर्सिटी। इसे 2012 में एस्टेब्लिश 25/10/2012 में इसे अप्रूवल मिला था, ठीक है। यूनिवर्सिटी विजिट 2013 में भी हुई है, उसका 14 में भी यूनिवर्सिटी UGC ने विजिट किया यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे सारा मतलब आपका ये UGC अप्रूवल है। अगर इसके मोर डिटेल्स में अगर आप जाते हैं तो मोर डिटेल्स में आप देखेंगे कि इनका यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ रहता है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, ठीक है, VC का इन्फॉर्मेशन, अगर वाइस चांसलर जो हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका मेल आईडी, रजिस्ट्रार सर का वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका मेल आईडी सारा डाला रहता है, तो वहाँ से भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आपने UGC अप्रूवल है, फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे 12B स्टेटस में देशभक्त यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका कि ये यूनिवर्सिटी का अप्रूवल क्या क्या मिला हुआ है। जो मैंने 12B स्टेटस जो मैंने बताया, अब अगर आप कमेंट में करते हो कि 12B स्टेटस क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल्स नॉलेज दूंगा, डिटेल्स बताऊंगा कि 12B स्टेटस किस सिचुएशन में दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को, या इसका क्या फ़ायदा है, या पॉजिटिव या निगेटिव टेस्ट जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब इसके अप्रूवल में आगे बात करते हैं। इसका अप्रूवल में AIU से का मेम्बरशिप इन्हें मिला हुआ है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के मेम्बर भी हैं, ठीक है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिला हुआ है देशभक्त यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ से जो भी बच्चे LLB और BLLB जो कोर्सेज हैं करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद है इनका सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन से भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला हुआ है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT का भी अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल है, पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का भी अप्रूवल है। जो लोग BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्सेज करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा अप्रूवल का मैंने बताया, ये मैं आपको सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से रन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड एग्रीकल्चर में, जैसे BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के कोर्सेज को ये कर रहे हैं, अप्लाइड साइंस है, आयुर्वेदा है, बिजनेस मैनेजमेंट है,
ये सब कैटेगरी वाइज है कोर्सेज, जो टोटल 17 कैटेगरी हैं इनके, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है, डेंटिस्ट्री है, डिजाइन है, एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाते हैं, होटल मैनेजमेंट है, लैंग्वेजेस के क्लासेस कोर्सेज करवा रहे हैं ये लोग, लीगल स्टडीज है, लाइब्रेरी साइंस है, लाइफ साइंस है, मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी, जनरल। और से कोर्सेज तो जनरल ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कराती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका है कि बीएमएस भी करा रहे हैं, आयुर्वेदा इनको आयुष मंत्रालय से अप्रूवल मिला हुआ है बीएमएस के कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है इनका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि डीसीआई का भी अप्रूवल इन्हें मिला हुआ है, तो ये बीडीएस के कोर्सेज भी ये लोग रन करते हैं। तो इसमें भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो बीडीएस वगैरह इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी उन्हें, ठीक है। अब तो ये कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा डिटेल्स की बात अगर करेंगे तो इसका, अगर आप बोलते हैं कि इसका हर एक एक कोर्सेज का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं सारे का डिटेल्स में मैं आपको कौन कौन से कोर्सेज पर्टिकुलर करवा रहे हैं, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँगा। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ फैसिलिटीज़ की। तो देख रहे हैं कि फैसिलिटीज़ में यहाँ पर आपका लाइब्रेरी ऑलरेडी, इनका बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी जिसमें सारे गेम्स वगैरह ये लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इस टाइप के। तो इनका खुद के इन कैंपस में ही ये सारा व्यवस्था है। इनका कैफेटेरिया है, जो बच्चे मतलब कैंटीन वगैरह जाकर अपना मतलब स्नैक्स वगैरह या कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो वहाँ कैफेटेरिया में उनको मिल सकता है। इनका खुद का ऑडिटोरियम है, जहाँ पे अपना कल्चरल इवेंट्स वगैरह ये लोग खुद का ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। लेबोरेटरी है इनका, एक है यहाँ प्लस पॉइंट की माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड कंप्यूटर लैब इनको इनके पास है, जहाँ पे सारे असाइनमेंट्स वगैरह, ये बच्चे गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल्स है विथ वाईफाई कैंपस, इनका है कि वहाँ पे वाईफाई कैंपस लगा हुआ है, हाई स्पीड। खुद का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स का, तो प्लेसमेंट्स में बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या है कि इनके मतलब अप्रोक्स 50-54 जो है कंपनीज का इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपना डाला हुआ है कि 54 कंपनीज ने विजिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इनका जैसे लास्ट जो प्लेसमेंट का जो रेशियो हो रहा है, तो 2022 का इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन पहले का इनका है मेंशन किया, 174 प्लस बच्चों पास आउट हुए थे, जिसमें अप्रोक्स देखा गया कि मतलब आपका 70-80% बच्चों को वहां से प्लेसमेंट्स हुई है, और एवरेज पैकेज जो पैकेज रहा है इनका 3-4 लाख का अप्रोक्स का रहा है पैकेज, ठीक है। और कुछ ज़्यादा मेंशंस नहीं है, तो इसलिए इस पर हम लोग डिस्कस प्लेसमेंट्स के लिए आए थे। तो है इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, IBM है, ठीक है, HCL है, टोयो है, आपका कोका कोला है, नेस्ले, इस टाइप से 50-54 कंपनी जो है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।